ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर बुधवार सुबह परिवर्तन निदेशालय के छापे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौरा जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने आप नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि अगर पैसे खाए हैं तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शराब घोटालों में उनका नाम आ रहा था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिचौलियाओं से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी घोटाले के कारण खत्म हो रही है। सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले में अपने पैसे खाए हैं तो आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई से पहले ईडी ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के परिसरों पर छापेमारी की। ये छापेमारी भी दिल्ली में पूर्व में लागू की गई थी, आबकारी नीति के सिलसिले में थी, जिसमें मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे सांसद के आवास पर पहुंची और तलाश शुरू की। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। ईडी के अधिकारियों ने सिंह के अलावा मामले से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों पर भी तलाशी ली। सिसोदिया की जमानत पर शीर्ष अदालत द्वारा 15 सितंबर को दोनों पक्षों के वकीलों के संयुक्त अनुरोध के बाद सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी के खिलाफ पूर्व उप मुख्यमंत्री की 2 विशेष अनुमति याचिकाएं बुधवार के लिए सूचीबद्ध है। वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं और फरवरी से जेल में है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मंगूटा श्री वासुल्ली रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा और व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे दी। अरोड़ा और राघव मंगूटा दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर है। राघव मंगूटा को उच्च न्यायालय ने अगस्त में जमानत दे दी थी, क्योंकि ईडी ने राहत देने के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। ईडी ने कहा था कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।